इज्जत पर हाथ डालना है, कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे पता लोक में चले जाना है। आरएसएस और बीजेपी वाले, बीजेपी का और आरएसएस को मैं चेताता हूँ, हरियाणा में इज्जत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो आपकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी, ये दावा डॉक्टर दलबीर सिंह बीबी पर करता है। मैं कहता हूँ बीजेपी की तरफ ध्यान करो, बीजेपी धन भी लूटती है और इज्जत भी लूटती है। ये पीछे देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पे रामशरण जो एमपी है इनका, एमपी ने क्या करा, बिल्कुल यही काम करने की कोशिश करी। विजयवर्गीय का लड़का ने क्या करा, कुलदीप सेंगर एमपी था उसने क्या किया, स्वामी चमन्यानंद सांसद था उसने क्या किया, सुभाष बराला का लड़का ने चंडीगढ़ क्या किया, दीवार फांद के जाते हैं जैसे वो गुंडे हो, वे सरकार के भेजे हुए नस्ल भेदी हो, वे सरकार के भेजे हुए चोर और लुटेरे हो। इस तरीके से बिजली विभाग ने सोची समझी षड्यंत्र से, सोचे समझे प्लान से इसकी हत्या करी गई है। ये इज्जत पर हाथ डालते हैं, धन लूट ले कोई बात नहीं, गलत धन हम कमा भी सकते हैं, इज्जत अगर लूट गई तो इज्जत दोबारा से नहीं आती। इन दिन में सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है भाई साहब, उस केसों में संलिप्त चाहे छेड़खानी का हो चाहे बलात्कार का हो, बीजेपी के रिश्तेदार, उनके जो पक्के पेड़ जो वर्कर हैं वो, और मंत्री और एमएलए 80% केसों में वो शामिल हैं। ये नमस्कार, नमस्कार भाई, एक बार इस मुद्दे के बारे में बताइए क्या थी वजह और क्यों आज लोग इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। भाई मैं डॉक्टर दलबीर सिंह, बीबीपुर गांव है नोगामा खाप से, ठीक है, जो भी कोई भी गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कहीं भी पीड़ित होता है तो हमारी नोगामा खाप उसका भरपूर साथ देती है, और बीबीपुर गांव से भी 27 आदमी और नोगामा खाप से 11 गाड़ियां आई हुई हैं। तो हमें इस भाई जो सुरेश की जो शहादत हुई है, ये बिजली विभाग ने सोची समझी षड्यंत्र से, सोचे समझे प्लान से इसकी हत्या करी गई है, और आज पूरे हरियाणा से यहाँ लोग आए हुए हैं। इस तरीके से सरकार के ऊपर पूरा दबाव पड़ गया है, सरकार को पता चल गया है आने वाले कुछ दिनों में ट्रैक भी जाम होंगे, रोड भी जाम होंगे, ब्लॉक भी बंद होंगे, डीसी ब्लॉक भी बंद होंगे, और यहाँ तक एमएलए जो मंत्री हैं उनकी कोठियों के आगे भी लोग ब्लॉकिंग करके बैठेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं। इसलिए सरकार ने बिल्कुल आज ठीक ठीक परिचय देते हुए निर्णय कराया, जो हमारी किसानों की याद दमतान साहिब में 6 मांगे थी, सरकार ने वो 6 की 6 मांगे मान ली हैं, और किसानों के आगे सरकार ने आज बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। आपका एक षड्यंत्र के तहत ऐसा क्या था सुरेश के पास? षड्यंत्र के तहत ये बोलता हूँ मैं, सुरेश के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल एक गरीब किसान था, बल्कि उसको मजदूर बोलें तो और भी अच्छा है। एक बात बताइए, बार मीटर लगा हुआ है, जब बार कोई तार चोरी का नहीं है तो बार से ही चले जाते हुए अंदर घुसना है, फिर नोक करके भी जा सकते हैं, भाई अंदर से कोई लड़की आती है, बहू आती है, बुढ़ा आता, बुजुर्ग आता है, नहीं, दीवार फांद के जाते हैं जैसे वो गुंडे हों, वे सरकार के भेजे हुए नस्ल भेदी हों, वे सरकार के भेजे हुए चोर और लुटेरे हों। इस तरीके से वो कल थीम रख के एनडीपीएस का केस भी बनवा सकते हैं, वे कल छोरी बेटी को छेड़ भी सकते हैं, किसी के साथ बलात्कार भी कर सकते हैं, बताइए किस तरह की चीट हो सकती है। बिल्कुल इनका एक उदाहरण है, पहले तो कहते थे कांग्रेस भाई ये करती है वो करती है, धन लूटती है लोगों का, मैं कहता हूँ बीजेपी की तरफ ध्यान करो, बीजेपी धन भी लूटती है और इज्जत भी लूटती है। ये पीछे देखा होगा दिल्ली जंतर मंतर पे रामशरण जो एमपी है इनका, एमपी ने क्या करा, बिल्कुल यही काम करने की कोशिश करी। विजयवर्गीय का लड़का ने क्या करा, कुलदीप सेंगर एमपी था उसने क्या किया, स्वामी चमन्यानंद सांसद था उसने क्या किया, सुभाष बराला का लड़का ने चंडीगढ़ क्या किया। ये इज्जत पर हाथ डालते हैं, धन लूट ले कोई बात नहीं, गलत धन हम कमा भी सकते हैं, इज्जत अगर लूट गई तो इज्जत दोबारा से नहीं आती। इनका तो चरित्र रहा है, खेल मंत्री ने बोल गए, खेल मंत्री जो संदीप है वो तो ऐसे, अगर मैं उदाहरण देने लगूं, देखो एक बात बताता हूं मैं, इस देश में पिछले जो 5 साल की यूपीए सरकार थी, लोग लड़कियों के साथ और औरतों के साथ छेड़खानी और बलात्कार के केस 1.5 लाख के करीब थे 5 साल में। बीजेपी का जो पिछला सेशन था 5 साल का, उसमें 2.5 लाख केस थे छेड़खानी और बलात्कार के, और जो ये अगला सेशन चल रहा है इसकी केवल 3 साल अभी पूरे हुए, 2 साल बाकी हैं, 2.75 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। और इनमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है भाई साहब, उस केसों में संलिप्त चाहे छेड़खानी का हो चाहे बलात्कार का हो,
बीजेपी के रिश्तेदार, उनके जो पक्के पेड़ जो वर्कर हैं वो, और मंत्री और एमएलए 80% के सौ में वो शामिल हैं। ये तो हरियाणा की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं। मैं इनको चेताता हूँ, हरियाणा के ऊपर इज्जत हाथ डालने से पहले 100 बार सोचें। हरियाणा के लोग आज जागरूक और शिक्षित भी हो चुके हैं, और ये पता है बलशाली ये पहले से ही हैं। हाथ को कटवा बैठोगे, हाथ को तड़वा बैठोगे, इज्जत पर हाथ डालना है कहीं दूसरे देश में, कहीं दूसरे पताल लोक में चले जाना या आरएसएस और बीजेपी वाले, बीजेपी का और आरएसएस को मैं चेताता हूँ, हरियाणा में इज्जत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो आपकी आंखें भी निकाल ली जाएंगी। ये दावा डॉक्टर दलबीर सिंह बीबी पर करता है, बिल्कुल इज्जत को हम बरकरार रखेंगे। अगर इज्जत चली गई तो इज्जत हमारी दोबारा कभी भी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा भर से जब खाप आई है तो प्रशासन तभी झुका है? अगर अकेला परिवार होता तो इंसाफ नहीं मिलता? अकेला परिवार को किसको मिला है? अकेला दो अकेला परिवार को कभी अन्याय देते नहीं, एक गांव और दो गांव को भी नहीं देते, एक खाप से भी नहीं मानते। आज इनको पता चला जब ये हरियाणा प्रदेश से जीन जले से भी, भियाणी से भी, इधर पानीपत से भी, इधर से भी आने शुरू हो गए, इनको ये पता था कल तक, शायद कल तक, ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक पूरा हरियाणा में रोड और ये जो रेलवे ट्रैक है सब जाम हो जाते और हर गांव के लोग रोड के ऊपर बैठ जाते। इससे दबाव में आकर ये सरकार ने, चलो देर आए दुरुस्त आए, फैसला ठीक किया है, 6 मांगे मान ली हैं, और वो वादा खिलाफी करने की मतलब करना तो दूर, सोचे भी नहीं। अगर वादा खिलाफी करने की सोचेंगे तो इसी तरह से सरकार की दोबारा से दुर्गति करने में हम कदई पीछे नहीं हटेंगे। यदि भविष्य में किसी दूसरे किसान साथी के साथ ऐसा होता है तो मजबूर उन लोग खुद सुसाइड करते किसान है, तो उससे पहले आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कदम उठाइए ना? भाई मैं तो अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ, कोई भी विभाग, चाहे बिजली विभाग भी छोड़ो, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हरासमेंट करता है, तो ये हल, ये जो रास्ता है ये सही नहीं है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है अपने भाइयों के आगे रोना, भाइयों के समझ में आ जाएगी तो आंदोलन कर देंगे तो आपको बचा लिया जाओगा, इसमें कोई दोराय नहीं। बस पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत की जनता से मैं तो हाथ जोड़ के अपील करूँ, आत्महत्या का रास्ता सही नहीं है मेरे भाइयों, आंदोलन करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, यही एक रास्ता है। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, अनशन और शांति का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, जिससे इनसे भी भयंकर क्रूर और फांसीवादी थे अंग्रेज, उनको भी महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक रवैये से हरा के दिखा दिया था और देश से भगा कर दिखा दिया था। मेरे भाइयों सिर्फ यही एक रास्ता है, अहिंसा तरीके से अपना अनशन प्रोटेस्ट करो और इसी से सरकार को झुकाओ, यही तरीका है। जान देना सबसे खराब तरीका है। भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।